निकी तंबोली को आखिर कैसे हुआ कोरोना? निकी तंबोली ने किया इस बात को लेकर बड़ा खुलासा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि निकी तंबोली अभी कुछ दिनों पहले कोरोना की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद उन्होंने घर में एहतियातन बरतते हुए खुद को क्वारंटीन कर लिया था और सारी सेफ्टी बरत रही थी। और अब देखो, निकी तंबोली पूरी तरह से कोरोना से ठीक हो चुकी है। इनफैक्ट हमने आपको पिछली रिपोर्ट में ये भी बताया था कि निकी तंबोली कोरोना नेगेटिव होने के बाद मुंबई के सैर पर निकल गई। उन्होंने बैंडस्टैंड की सैर की और साथ ही अपने फैंस के साथ वो वीडियो साझा भी किया, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए कि चलो निकी तंबोली कोरोना की बीमारी से ठीक हो गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि निकी तंबोली ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा किया है और ये बताया है कि आखिर कैसे वो कोरोना की चपेट में आई। हम आपको बता दें, निकी तंबोली एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए बताती हैं कि जब वो अपने आने वाले म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ में थी, तो इस दौरान उन्हें वैनिटी वैन में जाना था और उन्होंने गलती ये की कि बिना मास्क के ही वो वैनिटी वैन में चली गई। और इसके बाद निकी तंबोली को ये रियलाइज हुआ कि वो तो वैनिटी वैन में बिना मास्क के ही चली गई, और इसके बाद निकी तंबोली काफी परेशान हो गई और नतीजा ये निकला कि बिना मास्क के वो वैनिटी वैन में गई है और उन्हें अचानक इन्फेक्शन हो गया और पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। हम आपको बता दें दोस्तों, निकी तंबोली ने अपने फैंस से ये भी अपील की है कि आप कोरोना को हल्के में ना ले, कोरोना का खास ध्यान रखें और साथ ही हमेशा मास्क कैरी करके चले, अपने पास सैनिटाइजर रखें, जितना हो सके अपना ख्याल रखें। कहीं ना कहीं निकी तंबोली को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना, उनकी लापरवाही के चलते वो कोरोना की चपेट में आ गई। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निकी तंबोली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना पसंद करते हैं निकी तंबोली को? कमेंट्स करके जरूर से जरूर लिख बताइएगा। और ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।